अलवर में इन दिनों तेज गर्मी के साथ लू का प्रकोप भी नजर आ रहा है। इसके चलते अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस दौरान लू, टाइफाइड और बुखार के मरीजों की भरमार है। इस वजह से मरीजों को जांच कराने के लिए दो दो घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बुजुर्ग इस वजह से परेशान नजर आए। यह अलवर का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, जहां आप देख रहे हैं मरीजों की कैसी भीड़ है। इसकी वजह पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही तेज गर्मी और लू, जिसकी वजह से हजारों मरीज यहां इलाज के लिए आ रहे हैं। आजकल यहां हजारों की संख्या में रोजाना की ओपीडी चल रही है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में गर्मियों में जो मरीज आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या गर्मी जनित बीमारियों की है। जिस टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे हीट स्ट्रोक की समस्या है। तो हीट स्ट्रोक के तो कम मरीज आ रहे हैं, लेकिन लू लगने से काफ़ी मरीज यहाँ आ रहे हैं। बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और टाइफाइड, मियादी बुखार के, और साथ में अन्य जो हैं जैसे पीलिया और टीबी, कैंसर और अन्य जो बीमारी हैं इस मौसम से संबंधित, उसके सभी वायरल बुखार सभी के बीमार। ओपीडी में करीबन हम एक डॉक्टर तकरीबन 200 मरीज देख लेता है। 700-800 मरीज प्रतिदिन यहाँ आउटडोर मेडिकल आउटडोर में आते हैं, जिनमें जो संख्या है वो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादा रहती है। अलवर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ये, जहां अलवर की सीमा से लगते हरियाणा और यूपी के लोग भी यहां इलाज के लिए आते हैं। यहां जांच कराने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बुजुर्ग महिलाएं अपने इलाज के लिए जांच के नंबर आने का इंतजार में दो दो घंटे तक बैठी रही। ऊपर से गर्मी दम तोड़ रही है। 8 बजे गए, 2 बजे तो पर्चे काटे। क्या समस्या है आपको? कहीं है तो छाती में दर्द है। अभी आपका नंबर नहीं आया है? अभी नहीं आया, बेहतर नंबर है अभी।